और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट पर, जहां भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर आइए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा को लाइव सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दिलवर जी, अब जब अध्यक्ष दिलवर हो तो जनता का आशीर्वाद तो मिलेगा। हमारे सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अविनाश पांडे जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय नारायण सिंह पवार जी और पहली बजाय अभिनंदन करें, भारतीय जनता पार्टी के 20 किसान है भले और भोले आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, हमारे यशस्वी विधायक वरिष्ठ नेता श्रीमान्य राज्यवर्धन सिंह जी, मेरे युवा विधायक साथी आदरणीय कुंवर कोठारी जी, मेरी बहन जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गायत्री जसवंत गुर्जर जी, पूर्व विधायक श्री पंडित हरिचरण तिवारी जी, आदरणीय अरुण भीमावत जी, मोहन शर्मा जी, मेरे मित्र भाई जसवंत गुर्जर जी, राजेश दुबे जी, पूर्व विधायक हमारे आदरणीय अमर सिंह यादव जी, भाई गौतम जयपाल जी, पूर्व सिंह पवार जी, हमारे विधायक गए आदरणीय प्रेम शंकर लोवंशी जी, विष्णु खत्री जी, हमारी शान केदार काकर जी, दीपर सिंह चौहान जी, दीपक शर्मा जी, ज्ञान सिंह गुर्जर जी, मनोज सिंह हरा जी, रमेश साहू जी, निर्मल जैन जी, लक्ष्मी नारायण पटवारिया जी, अरविंद शर्मा जी, नारायण सिंह बालंजर कवि जी, जगदीश पवार जी, रामनारायण कांगी जी, मान सिंह चौका जी, अपने इतने बहुत टाइम ज्यादा होता तो मंच पर विराजमान मेरे बाकी सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी का और सामने बैठे भी उनसे बड़े कार्यकर्ता जो नेताओं को बनाते हैं, मेरे बहनों मेरे भाइयों और ब्यावरा प्रदेश के बहनों और भाइयों, आज भाइयों दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार। इधर इधर सामने दिखने गए जरा पार्टी में थोड़ी टेंट लगाने में कंजूसी घर को नीचे नीचे लगा दिया, अंदर दिखाई नहीं देता या फिर जंगल ज्यादा आगे। मेरे प्रिय बहनों भाई, ये उपचुनाव की कहानी ग्वालियर से शुरू हुई थी। अगर मेरी आपको बता दे कैसा है, इसलिए बोल रहे अगर शांति रहे सवा साल पहले इसको कहते हैं जुड़ाव। अपन तो भाजपा के कार्यकर्ता कैसे भी काम चला लेते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सवा साल पहले एक सरकार बनी थी, जनता से झूठे वादे करते, झूठे वचन देकर, अच्छा वो भी पूरे प्रदेश के कारण नहीं करती, अगर बनी थी तो उसमें बड़ा योगदान था ग्वालियर चंबल संभाग का, बाकी जगह तो मामा ने पछाड़ी किया था काम नहीं, लेकिन बाकी से कम रह गए कांग्रेस के कारण। कहां ये ग्वालियर चंबल से शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री के लिए चेहरा बताया था कोयटा,
लड़की वालों को दिखाया धूप, बारात को लड़की बताई, सहलाई किसी और के नाम पर होती, घोषणे को और वैसा, लेकिन मंडप पर पहुंचे तो घोड़े किसी और के साथ पास हुए। शुरू हो गई। अब मुझे लगता है मामा तू नहीं है, लेकिन यह है एक बात और बताऊ भाई, अगर मैं चाहता तो 2018 की सरकार बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि बेहतर नहीं कर रहा हूं इसके बाद एक से तो क्या उनकी पीएम से मामा जी, मैं तो 800 से ज्यादा रह गई थी किनारे पे जाके फंसी थी, और ब्यावरा में तो 120 से 220 से एक महिला को तकलीफ नहीं थी, हमका जनता का पैसा वोट हमें ज्यादा मिले, सीट उन्हें ज्यादा मिल गई, निर्दलीय विधायक आ रहे थे रस्ते में कह रहे थे शिवराज जी आपको समर्थन देंगे, लेकिन मैंने कहा कि भैया जब ब्यावरा में हार गए तो मुझे नहीं बनाना, कांग्रेस ही बना है, तो दिल में कसक भी थी और मुझसे हिसाब मांग रहे 15 साल का हिसाब दिल्ली राजा कमलनाथ, अरे मुझसे हिसाब मांगने वालों पहले खुद के किराने में झाक के भी देख लो, मिस्टर बंटा ढावा जो हालत कर दी थी कमलनाथ तुम्हारी कांग्रेस ने, बच्चों को तो पता ही नहीं, उन्हें तो मानव का रंग देखा है, अरे मुझे तो आपको पता होगा 2003 के पहले सड़कें भी था और बिजली कितनी आती थी, आदमी कम थी जाति ज्यादा थी, लोग नारे लगाते थे जब तक रहेंगे दिल्ली जलती रहेगी दिल्ली, मुझसे क्या मांग रहे हो, पूरे प्रदेश से दबा कर दिया था, मुझे लगा कि 15 साल मैंने राज चलाया, आप जान दो कांग्रेस को चला रहे, लेकिन सोच आइए था कि कुछ तो अच्छा करेंगे, 15 साल में लौट के आए, सेवा करेंगे, वादे निभाएंगे, वचन पूरे करेंगे, 1.25 साल में यह हालत हो गई, मैं जहां जाऊं उन लोग मामा भी मर गए, इरादे सरकार इरादे सरकार मेरे कहते थे कि नहीं कहते थे, तब मैंने मना किया, मेरे बेटे को नहीं करो लेकिन पाप का घर 7 साल में भर जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं आज कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, जब जनता सुनते कमलनाथ करे तो मामा 15 साल का हिसाब दो, ये कमलनाथ जब तुम्हारी और दिल्ली की सरकार थी, प्रदेश का बजट था 21,000 करोड़, मामा ने बढ़ा के कर दिया 2,00,000 करोड़ से ज्यादा, जब तुम्हारी सरकार इसे तो करे करोड़, मामा ने बढ़ा के कर दिया था 7,07,000 करोड़, जब तुम्हारी सरकार थी इनकम प्रति व्यक्ति आए 1,500 रुपया थी, मामा ने बहुत कर दी 80,000 रुपया, जब तुम थे तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढम था, गड्ढे थे कि गड्ढम गड्ढा था, पता ही नहीं चलता था, मामा ने 2,00,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना के तैयार कर दी, अरे ब्यावरा के जाया होगा
दस साल पहले का ब्यावरा पहचान लेगा। अगर ब्यावरा को चारों तरफ हाईवे से जोड़ा तो कमलनाथ जी की राजा आपने नहीं शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने। जब तुमसे एक बंद बनाया दिग्गी राजा, आप तुमने बनाया एक बंद, आज मोहनपुर कुंडालिया सुखालिया अगर बनकर तैयार हो रहे तो कमलनाथ की राजा तुमने नहीं किए गए, शिवराज मामा ने किए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए। मेरे किसान भाइयों, सिंचाई की व्यवस्था की केवल 7 लाख हेक्टर में मामा ने बढ़ा के कर दी 41 लाख हेक्टर, और दोनों राज्य मिलने वाले सूखा था हमारा क्षेत्र। लेकिन आज जो बांधों की श्रृंखला बनाना हमने शुरू किया, राजगढ़ जिला पंजाब को मार करेगा, उसका बनने कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जवाब के मतलब तुम्हें देना पड़ेगा। दिल्ली में तीन घंटे नहीं आती थी, मामा आया मैंने कहा 24 घंटे पूरा लोगों को मजा आता है, जैसे चला होगा। लेकिन आज गांव में 24 घंटे बिजली का चमत्कार किया है तो मामा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमसे तापमान के हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, कृषि का उत्पादन हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, तहसील, जिले, बुद्धि राजा। अरे जब जब जैसे मांगा, सुखालिया के लिए मांगा, क्या राज्य के लिए मांगा, और चाहे ज्यादा के लिए मांगा, सुखाल में कभी कदम नहीं लगे। काम जमाते तो बिल्कुल जाएगा राज्य में। आज ज्यादा वाले आपसे दिल पे हाथ रख के पूछना चाहते हैं, ईमानदारी से बताना, मैंने जितने भी बात के काम के लिए गांव के लिए गांव के लिए जोर जगह आप मुझे मुझसे तापमान जो हो काम असर ना चलो, प्रदेश को तबाह करने वालों, प्रदेश को पुलट के तब की दिक्कत है, राह बने गए तो हम ले गए, किसी तरह बने रहा है जाते दे रहा। मेरे बहन भाई हमने क्या किया 14 साल में, कोई बता बोले एक मीट नदी का बताओ जागरा में जो जगह पर मेरा कोई दाग बना। जब भी कमलनाथ जी के पास जाए कांग्रेस के लोग और कहीं का पैसा दे दो तो कमलनाथ के पैसा है नहीं मानो सब खड़ा में खंड कर गया, और अंदर का खड़ा मत मानो खंड कर गया, बाहर बचा तो पैसा नहीं है। आज तक नारायण सिंह मामा जी का हिस्सा में कसर पहले नहीं था, और मैं कसर पहले नहीं था, प्रदेश के जानवर ले लो, बॉर्डर वाले, सेंटर वाले, माता वाले, बिहार वाले, माता से वाले, मंदिर वाले, सुन लो, वो बहाना बनाते थे कि पैसा नहीं है। लेकिन मैं विश्वास से भर कर कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अरे वो कहेगा मुख्यमंत्री जो रोज रोए के पैसे ही नहीं है, क्या करोगे ऐसे मुख्यमंत्री का बताओ, फिर तो पैसे उठा दो भैया, धन्नू कंडा कल्लू मंडा चल्ला टुल्लू जुम्मन बैठ के कहेंगे क्या करूं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, भारत भटने के लिए मुख्यमंत्री बन गया, रोना तो बड़ा होगा विधान करके कुछ है कि क्या करें। कमलनाथ जी नेता वो है जो संकट भी हो, कठिनाइयां हो, मुश्किल हो, तो उस मुश्किल में भी जनता को संकट के पार निकालने ले जाए, और ये तरफ जब दिल में होती है तो जनता के लिए तब चाह की बाह निकल जाती है।
मैंने कोरोना काल में भी पैसे की कमी नहीं आने, कमलनाथ जी आपको जवाब देना पड़े। आपने कोरोना से निपटने की तैयारी क्यों नहीं की? जब कोरोना फैलना था तब आप इंदौर में आई पार्टी मीटिंग कर रहे थे, सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस उनके साथ मीटिंग हो रही थी, फोटो खिंचाए जा रहे थे, जनता कोरोना में मर रही थी। आप बाली ग्रुप के साथ बैठ के और उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, इंतजाम किया था आपने कोरोना के लिए, सारे विकास के काम सब कर दिए, उद्योगों का गला दबा दबा के कोरोना वाली कंपनी को पैसे दिलवाया। मेरे बहन और भाई उसको कहते हुए जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों की मंडी कौन ने बनाया, भ्रष्टाचार करता कौन ने बनाया, जनता के लिए पैसा नहीं, किसानों के लिए पैसा नहीं, फसल बर्बाद हो गई, मर गए लोगों के, आपके जो मुआवजा दे वो सिलेक्टर भी बदल रहे होंगे। और सुन लो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, नामा आ जाए सर्वे करवाए जाए और राहत की पूरी राशि बुरा चिंता मत करना, चिंता मत करना, ये रात को पैसे दबा के बैठ गए, ये खुद पैसे बनाते रहे, कौन सी कंपनी कौन सा ठेकेदार जिसको ठेका मिले चक्कर में लगे गए, 100 करोड़ के काम 200 करोड़ के ठेके हुए, देश तबाह हो रहा था, बर्बाद हो रहा, मेरी सब योजना बंद कर दी भाई और बहनों, मैंने प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, सरकार बदलने के साथ योजना बंद करनी चाहिए, अरे करना चाहिए क्या बताओ, ये मामा के लाई लक्ष्मी बधाई समाप्त तो हर वर्ग के लिए बधाई, मेरी बेटी घोषणा रहे वरदान बन जाए, लेकिन मेरी लाड़ी लक्ष्मी योजना कमलनाथ जी आपने ठंडे बस्ते में डाल दी, अभी पूछ रहे थे मैंने क्या पाप किया, अरे पाप ये किया तो दो बार करके से कर्जा माफ नहीं किया, रे सजा देती नहीं, अच्छा मर गए बेचारे बैंक करवा दे, अच्छे खासे दे रहे थे, आए रावत भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में माफ, घर में मुख्यमंत्री साहब लड्डू हो गए थे, चुनाव के बाद जब हम मुख्यमंत्री नहीं बने जनता की विद्या लिख देकर मैंने कहा दिया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो किसान चिल्ला मामा गलती हो गई थे 2 लाख के चक्कर में पड़ गए, हम मामा तो टूटा फूटा बेटा था, आज ही छोड़ एक को धावे आज ही मिले न पूरी पावे, रेगुलेटर बंद कर 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 जा जीरो पर देख के जा भारत पर देख के आज तक कर जा, अब कर दे दसवीं मार्केट में रखी है ब्याज की जान, तो कई किसान के हम मामा का कर ब्याज कमलनाथ रखवा गया, तो सुन लो मेरे किसान भाइयों ये ब्याज की बचिया कमलनाथ रखवा के गया है, मामा शिवराज सिंह चौहान उतारू गाया है, कैसे तुम्हें तड़पता हुआ देख बाप उनने किया है प्यार सिंह मामा करेगा, मैंने क्या पाप किया बोले, अरे बहनों और भाइयों मेरे भांजे भाइयों, मैंने योजना बनाई है तुम्हारी सामान्य वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों पिछड़े वर्ग के, मेरी पिछड़े वर्ग की जितनी जातियां हो
हमारे एससी एसटी राइट है बेटा बेटी अल्पसंख्यक कोई नहीं छोड़ा। और पहले ने यह किया अगर बारहवीं में बढ़िया नंबर लेके आते और अपनी प्रतिभा के बल पर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी आईआईएम उच्च शिक्षण संस्थान कहीं भी होता है तो किसान का गरीब का बेटा फीस नहीं कर सकता। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 4,000 रुपये साल फीस बताओ गरीब का किसान का बेटा बन सकता है मध्यम वर्ग बन सकता है। तो मैंने तय किया कि जिनकी वार्षिक आय 8,00,000 रुपया साल से कम है वो कोई भी हो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बताओ अच्छी योजना थी नहीं थी? अरे जोर से बताओ थी कि नहीं? कमलनाथ जी मेरे क्या पाप किया? पाप तो मैं ये किया कि मेरे भांजे भांजियों की फीस छीनी भरवाना बंद कर दी। ये काम है कि नहीं बताओ? और भांजे भांजियों मामा आ जा रहे अब फिर से फीस भरवाना शुरू कर देगा अंदर यू टू भरवे अपने बच्चों से प्यार करता हूं। और तो कर्जा फीस भराने मध्य प्रदेश की धरती पर ये नहीं होने दूंगा ये नहीं होने दूंगा। कमलनाथ पूछ रहा मैंने क्या पाप किया था? अरे आई लव यू टू कह दो और मेरी बहनों एक गांव में मैं देखता था मेरी गरीब बहने बेटा बेटी को जमीन देने के बाद हफ्ते भरते आराम नहीं करते मजदूरी करने जा रहा था। हमने तो किया बेटा बेटी जन्म देगा तो 4,000 रुपया जन्म के पहले 12,000 बाद में 16,000 लंगर खाने के लिए देंगे। कमलनाथ जी मेरे बहन के लगे सीधे तुम्हें भैया बताइए बात खा के और वो नरुआ को 16,000 फूल ले भैया मेरी बहना बहना शुरू करेगा चिंता मत करना तुम्हारा भैया आ गया। कमलनाथ जी ने क्या पाप किया था? आपने पाप किया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मैं खेती गृहस्थी का सामान देता था आपने अपन बताओ मैं 1,50,000 दूंगा शादियां हो गई फिर एक पड़ गया गोली उठ गई विद्या सप्लाई चली गई साल भर हो गया भांगे भांगी भी आ गए कमलनाथ का भेड़ा नहीं आया 1,50,000 का आप बताइए क्या कह देगा क्या पाप किया है? एक्सीडेंट का मौत का नजीदा था 4,00,000 इसलिए मेरे बहन और भाई अगर बहन का पति ना रहे विधवा हो जाए तो जिंदगी कहर बन जाती है उस गरीब बहना की जिंदगी जिंदगी आसान हो जाए इसलिए 4,00,000 आपने संबल मौके 4,00,000 दुर्गा बहनों ने हाथ में छू लिए कमलनाथ जो कहा था कि नहीं था पता अरे संस्कार के लिए तो हम तो सबके इंतजाम कर दे 5,000 रुपये देता था दिल्ली तमन्नाथ आप जमीनों के कतल के 5,000 खड़े उसके उसका पाप किया था मुझे तो मेरे लिए प्यार में करवा था। बद्रीनाथ रामेश्वरम जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी तुमने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा छीन ली और चिंता मत करना श्रीराम कुमार आ गया है बुजुर्गो करेगा खत्म होने लो तीर्थ रेगा की चिंता मत कर कितनी बातें मैं बताऊं एक बार 4,000 गिरे जाते घटे घेरा नहीं गया अगर बताऊंगा तो टाइम और ज्यादा हो जाएगा ये कमलनाथ जी आपने किया आपकी सरकार ने किया गरीब को तबाह और बर्बाद कर दिया और उसे मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धन्यवाद दूंगा जब कांग्रेस के साथ का भ्रष्टाचार का गला भर गया तो गंगा रक्त मार के जमा कांग्रेस सरकार बुला दी
दोनों से किया तो बोला दिया। अब मेरे बहन और भाइयों वो परेशान और परेशानी का हालत यह है कि आजकल तो मुझे शुद्ध दानियां बच रहे हैं। शुद्ध दानियां वो कहते हैं शिवराज सिंह चौहान घुटना ठीक है, मुझे मेरी जनता के सामने लाख बार झुकना के पूजा मेरे भगवान ही बोल रहे थे। मेरी जनता मेरी जनता तो उसकी सीधा सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा। वो कहते हैं शिवराज सिंह नारियल का तेल लेकर चलता चलूंगा क्योंकि उद्घाटन सुनाऊंगा सन्ना तो नारियल को भोगूंगा। तो मैं कुछ कहूंगी कि नारियल क्या सकते नेता होता है मुझे फर्क नहीं हुआ करता हूं किसान का बेटा हूं। क्या किसान का बेटा हूं अपराध है? क्या किसान होना अपराध है? क्या किसान को फर्क नहीं दे सकता? अरे बंदे से बड़े को दोनों पाले बड़े लोग ये मानते थे कि मुख्यमंत्री पर तो हमारी चिंता ये था किसान आके बैठ गया हटा ही नहीं जा कमीना है कमीना। अरे कमीना कहो नीच कहो जो कहना है कह लो लेकिन सुन लो मध्यप्रदेश के विकास और प्राण सरकारी जनता के कल्याण से मुझे दुनिया की कोई ताकत गौरव करनी सकती मैं आपकी सेवा कर हम चलने का भी चला कर हम क्या करें पूरा तो जिंदगी की तौर पर आए बेटा आप बताइए ऐसे बौखला रहे हैं जो हमारी मंत्री हिमाची देवी जी को जो शब्द कहे आप बताओ सम्मानजनक थे क्या और कदर कर लिया सुबह में आयोजन करता हूं तो उनका काली बजा की चुनाव आयोग गिरफ्तार नहीं करता है। अरे लज्जा आना चाहिए कमलनाथ जी लज्जा आना चाहिए ये बाबा ने गंगा जी का गायत्री सीता सचा सावित्री और गंगा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियों का पानी हिंदुस्तान सहन नहीं करता। याद रखो अगर रावण ने मिर्जा सीता का अपमान किया था तो वंश सहित विनाश हो गया था। जो किसी पर चीर हरा जाता तो महाभारत में दुर्योधन दुष्टा संसाफ हो गए थे। बहन बेटियों का अपमान न करो तो मध्य देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी कभी क्षमा नहीं करेगी बहनों। और आज मैं क्या मैं केवल इसके मुख्यमंत्री नहीं बना पानी देना केवल इसके मुख्यमंत्री नहीं बना मैं तेरे से मुख्यमंत्री नहीं जब मुझे सत्ता का सुख भोगना है। मामा तो 24 घंटे में से 20-20 घंटा काम करता है। जब मुख्यमंत्री नहीं था तो 1.5 किलो वजन बढ़ जाता फिर से कम हो जाए कहीं चौथा हो जाए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मध्यप्रदेश के विकास के लिए जनता के कल्याण के लिए मामा मुख्यमंत्री आए मैं कोई जमीन छोड़ूंगा कि मैं रात आपकी सेवा करूं एक आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाऊंगा। और फिर मेरे किसान भाइयों मैं आज कह रहा हूं आपसे एमएसपी के नीचे पतंग नहीं बिकने देंगे किसी भी हालत में। और दिक्कत होगी तो आप प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था करेंगे किसान के लिए। मेरे बहनों और भाइयों अभी किसान सम्मान निधि कमलनाथ कह रहे थे बाप के एक ही बाप ये भी था द्रौपदी जी ने छुट्टी मांगी नामे भी थे लाखों किसान के नाम छोड़ दिए। मैंने 70 लाख नए नाम छोड़ दिए और जब नामों की सूची बना रहा था तो मेरे दिल में अचानक विचार आया मोदी जी 6,000 दे रहे मोहम्मद 84,000 बन गया तो सगुन क्या तू भी तो कुछ चाहे हो तो मैंने 6,000 में 4,000 वहां जोड़ के किसान सम्मान निधि कर दी 10,000 रुपया हर साल। और ये तो अभी शुरू है ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है। करोना की तहती है डरावर पैसा आ जाने को किसानों कोई कसर नहीं छोड़ी जाए कोई कसर नहीं मेरे किसान भाइयों आज अभी ये बात आई
एक बात और कहना चाहता हूं, इधर उधर की सब्सिडी के नाम पर, अनुदान के नाम पर बहुत समय ऐसा बर्बाद होता है, भ्रष्टाचार की पैड़ी चल जाता है। अब मैं ये फैसला कर रहा हूं कि जितनी सब्सिडी आती है सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो और खेती करो, बोले ठीक है कि नहीं है? और फसल बीमा योजना की मुझे कई शिकायतें मिली है, कंपनी वाले काट काट कर देते, अभी तो कंपनी वालों को पकड़ रहा हूं, छोड़ नहीं रहा ताकि न्याय दिला सकूं, लेकिन आगे जाकर मैं तो सरकार की बीमा कंपनी बना दूंगा ताकि हमें सस्पेंड करे और हमारी फसल बताओ ठीक है कि नहीं है? और किसान भाइयों, डीपी बंद कर दी अनुदान की, ये पाप किया कि नहीं किया कमलनाथ जी? अब सुनो ये किसान भाइयों, अनुदान पे डीपी की योजना फिर से चालू कर दी जाएगी। हम तो अपने किसानों के लिए है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हम काम करेंगे, सिंचाई की पूरी व्यवस्था करेंगे और राहत की राशि में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक चीज और, खेत सड़क योजना बना के कई जगह किसान के खेतों को भी सड़कों से जोड़ेंगे और गांव की संपत्ति जो है मकान की उसके स्वामित्व लेकर मालिक बनाएंगे ताकि उसको भी फायदा मिल सके। और वर्षों से पिछले वर्ग और सामान्य वर्ग के भी छोटे छोटे किसान बेचारे 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, जमीन पे कब्जे हैं और कप्तानों ने उन पिछले और सामान्य वर्ग के जमीनों के पास 1 एकड़ 2 एकड़ आधार कर जमीन है, तो उसके कच्चे भी गए, उसके कच्चे भी गए। गरीबों के लिए मेरे बहनों भाई, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई रोजगार का इंतजाम, रोटी 1 रुपया किलो गेहूं चावल सब गरीबों को, सुनने भैया नारायण जी, कोई कैसे हो एक गरीब का नाम जोड़ लेना भैया और देखने में पूरे राज्य में रहने मेरे को बैठा है, हर गरीब के घर का बन जाएगा, गरीब की थाली खाली नहीं रहने दूंगा। हम कमलनाथ थोड़ी जो गरीब भूखा ले जाए, हम शिवराशि है, मामा का राज है, राम की चिड़ै है, राम कोई खेत खाली चिड़ै है, भर भर के साल में हमारी कोशिश होगी जिनकी कच्ची झुपड़िया है उनके लिए बड़ा नहीं लेकिन छोटा पक्का मकान बन जाए। और राज के विधायकों, ब्यावरों वालों, सुखाइया वालों, पाइप लाइन बिछा के घर में चौकी वाला नल लगा के पीने का पानी दूरा चौकी खोलो तो घर घर पानी आए और घरा भर भर जाए और मेरी बेटी को पानी भर में हैंडपंप में ना जाना पड़े, बोले ठीक है कि नहीं? और केवल यही नहीं, मध्य प्रदेश में करें, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। मेरे रहना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के मैंने फेंक दिया, कोई गरीब किसी का नहीं जाओ, पढ़ाई में बाधा नहीं आने दूंगा। और एक बात और, सबको जितने गरीब हैं सुनो जितने वाले, जितने गरीब हैं गंभीर बीमारियों में फ्री में इलाज करवाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में और जो सुधार करना करके हमारा बजट मिला के हम लागू करेंगे, हमारी जिंदगी बनाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री बना है। मेरी बहनों, जन्म लेने से लेके लाली रखनी फिर पूरी ताकत से शुरू, बेटियों को साइकिल यूनिफॉर्म, गांव की बेटी योजना, कन्यादान योजना, स्वयं सहायता ग्रुप की डायरेक्टर सुनना, स्वयं सहायता समूह वाले 1400 करोड़ 80 साल 2 साल का सहायता समूह हमको सशक्तिकरण के लिए परमेंद्र काम धंधे परिषद मर्मा का पैसे चुने लगा कही है। मेरी अहमद पैदा होने से लेके और अंतिम समय सुनाने तक
तुम्हारे भाई की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, माँ बहन बेटी के साथ खड़ी रहेगी, कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, ताकि मेरी बहनों की जिंदगी आसान बने। और उद्योग अगर कोई बहन लगाएगी तो उसको अलग से सब्सिडी दूंगा। नौजवानों रोजगार बढ़े, सरकारी नौकरियों में भर्ती से मेरा प्रतिबंध हटा दिया है, पुलिस की भर्ती चालू हो रही है, बाकी विभागों की निकल रही है, सरकारी नौकरियां नहीं दूंगा। और राव देवी और उसको दे सकते हैं इसका इंतजाम करेंगे, और जिस जगह बच्चों को मिले इसका इंतजाम किया जाएगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं राजनीति में काम करता हूँ, वैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और केवल इतने ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये जितने गुंडे हैं, माफिया है, आतंक जिले में रहे हैं, उनकी अटल ठिकाने लगा दूंगा, पीस के रखेंगे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज होगा, कोई खेलते नहीं खेल पाएगा। कानून का राज, गड़बड़ करने वाले कोई भी हो उनको शिवराज नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पर। और मेरे व्यापारी भाइयों, व्यापारों ने मौत बना, व्यापारों ने मौत बनाया, ताकि व्यापार के रास्ते की सारी बाधा पूर्ण कर दे। अभी मैंने टैक्स ने कम किया है, चुनाव के आयोग के कारण अनुमति देने रहता है, मंडी वाले व्यापारियों चिंता मत करने वाले अनुमति मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो 3 तारीख के बाद अपने आप मिल जाएगी। मानेंगे तो आधार संख्या ये मंडी टैक्स भी कम करूंगा, व्यापार को आसान बनाऊंगा, व्यापारियों की दिक्कत दूर करूंगा, और छोटे छोटे व्यापारी से मेरे हाथ ठेला पे सब्जी भाजी बेचने वाले, फल बेचने वाले, कचौड़ी से मेरे बचने वाले, चाय की दुकान डालो, पांव में फेरे वालो, बूट पॉलिश करने वालो, हजामत बनाने वालो, लकड़ी काटने वालो, लोहार पढ़ाई लोहार सुबह हमारे गरीब कबाब मिलने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, फुटपाथ पर रखते सामान बेचने वाले, गांव गांव में सिर पर झूले जारी के लेके सामान बेचने वाले, स्ट्रीट वेंडर योजना प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने बनाई है। अभी 2 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपया हम व्यवसाय के लिए बिना ब्याज का दे चुके हैं, गारंटी मामा ने ली है, सरकार ने ली है। जितने शेर बचे हैं ड्राइवर शहर में हो और ड्राइवर गांव में हो, गांव में भी बाजारों के सेंटर पे फुटपाथ पे व्यापार करने वाले मेरे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे किराने के दुकाने वाले सबको 10 हजार रुपया बिना ब्याज का मिलेगा, जिसकी गारंटी मांगा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। जो मैं चाहूँ है ताकि कोरोना ने जो तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दिया, तुम्हारा व्यापार की गाड़ी पटरी पे आ जाए। कोई दर्द नहीं छोड़ूंगा बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट आए, तमामा की जिंदगी सफल हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मुझे मध्य प्रदेश बदलना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश खड़ा करना है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। हम कहते थे राम नया हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो कांग्रेस कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी हो गई, मोदी जी ने शिलान्यास भी कर दिया, भारत 370 समाप्त हो गई। लेकिन कांग्रेस फिर से धारा 370 तस्वीर का लगाने के पक्ष में, और सेवा दे भाइयों बहनों मैं मोदी पे रहते हुए एक गौरवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। पहले सिद्धि सिद्धि से देश में डराते थे, लेकिन आज चीन में भी अगर आवाज उठाने की जरूरत थी तो हमारे सैनिकों ने चीनी
सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस किए की जमानत है। मोदी का भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत, एक जनशाली भारत, एक भारतशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक संपन्न भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और ऐसे भारत के निर्माण के लिए मैं बनाना चाहता हूँ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मेरे बहन और भाइयों। और आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस है 1 नवंबर, मैं देशवासियों में आपको बधाई देता हूँ। आज कार्यक्रम बनगा क्योंकि आचार संहिता थी, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा उसको सबका सहयोग चाहिए, जहाँ सब सुखी हो, सब निर्भर हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहने वाले, इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। और बताओ मानो मेरे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भी नहीं, किसी और बात पर नहीं, केवल विकास के लिए नामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी जी को हाथ में पूछ सकते चलिए। आप कमल के फूल की नजर लगा के नारायण कुमार जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये मेरी अपील है। और नारायण सिंह जी का नारायण सिंह जी को कमल के फूल की नजर लगा के आप वोट देंगे तो सीएम के लिए आप भाजपा को जिता के मामा को स्थिर और ताकतवर मुख्यमंत्री बनाएंगे, परमानेंट करेंगे, तैयार हो। नमस्कार भाइयों, देशों में